हम कोटद्वार जा रहे थे तो रात हो गई थी, वहीं वहाँ ऊपर से पत्थर आ रहे थे और नीचे नदी भी थी जी। रात भर बारिश, पत्थर, पहाड़ टूट के गिर रहे थे। और सर एमए वगैरह के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एमएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जो हालात हैं उसमें 10-10 किलोमीटर पैदल चल के लोग जा रहे हैं। इन दिनों पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश ने अपना कहर बरपा रखा है। हर जगह तबाही का मंजर दिखने को मिल रहा है। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे कई जगह गाड़ियाँ फंसी हैं तो कई गाँवों का जो संपर्क मार्ग है वो टूट चुका है। लोग अपने एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा पा रहे हैं, तो कई जो गाड़ियां हैं मैदानों से जब पहाड़ों की ओर जा रही थी तो रास्ते में फंस गई। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है विद्यार्थियों को, स्कूली बच्चों को। हमने आपको कई तस्वीरें ऐसे दिखाई थी जिसमें जो कपकोट की आपने तस्वीर देखी होगी कि उफनती नदी को पार करने को बच्चे मजबूर हैं। एक तस्वीर हमने आपको घनसाली की दिखाई थी जहाँ पर एक बच्ची तक बह गई थी और आगे जाकर लोगों ने उसको बचा लिया था। लेकिन ऐसी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती हैं कि बच्चों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए। पहाड़ों की जो दिनचर्या है, पहाड़ों की जो समस्याएं हैं, वो पहाड़ जितनी बड़ी हैं और लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आए दिन लोगों को इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो जद्दोजहद करनी पड़ रही है वो स्कूली बच्चों को करनी पड़ रही है। कई स्कूल पहाड़ों में आपने देखा होगा कि स्कूल करीब 2 से 3 से और 4-5 किलोमीटर तक दूर रहते हैं, और ऐसे में बीच में कई गाढ़ गदेरे पड़ते हैं जिनमें उनको आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक बार आप इन बच्चों की पीड़ा को सुनिए, क्या कहना है इन बच्चों का। हम कोटद्वार जा रहे थे तो रात हो गई थी, वहीं वहाँ ऊपर से पत्थर आ रहे थे और नीचे नदी भी थी, इसलिए हम ना खेल थे ना आज डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तो इसलिए ये रात भर बारिश, पत्थर, पहाड़ टूट के गिर रहे थे। और चारों तरफ से आगे से भी रोड ब्लॉक हो गई, पीछे से भी ब्लॉक हो गई। सर एमए वगैरह के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एमएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जो हालात हैं उसमें 10-10 किलोमीटर पैदल चल के लोग जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या एग्ज़ाम हो पाएगा, क्या वो लोग पहुंच पाएंगे? और उसमें से चलो एक दो कोई आ भी गया एग्ज़ाम देने, बाकी ऐसी होती है महिलाएँ कैसे करेगी वैसे रास्ते को पार। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस स्थिति में देखते हुए फिलहाल जो अगस्त में जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे पोस्टपोन कर देने चाहिए थे उन्हें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।